Om Shanti. Om Shanti. जब राखी बहन सुना रहे थे तो मुझे यज्ञ इतिहास शुरू का याद आ गया कि कैसे जो बहने विघ्न में थी और दादियां मनोहर दादी आदि कैसे उनको जाके छतों छतों से जाकर ऊपर चिमनी से बाबा के पत्र को धागे में बांध बांध करके नीचे डालती थी जिस कमरे में वो बंद होती थी और बाबा वही उनको भेजता था। इतना जब याद करो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से बाबा ने अपने एक एक बच्चे को ढूंढ करके निकाला, कहां कहां से निकाला। केवल गीत सुनते थे कि कहीं 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 का रोड़ा भानुमती ने कुनवा जोड़ा। तो भानुमती ब्रह्मा बाबा ने आकर के इतना अच्छा कुनवा जोड़ा है तो दिल से क्या निकलता है, क्या निकलता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। ऐसा भाग्य किसी को मिला है न, मिला है न मिलेगा। लेकिन उनके भाग्य को जगाने के लिए फिर भी बाबा ने हमको आपको सबको निमित्त बनाया है। भाई जी सुना रहे थे ना छोटी बच्ची का अनुभव, कैसे बाबा फरिश्ता स्वरूप में भोग स्वीकार करता है, कैसे रू रिहान, दादी जी ने सुनाया बाबा रू रिहान करता है। आप सभी ने बाबा के इतिहास में सुना होगा जब गुलजार दादी छोटी थी और जब ट्रांस में गई थी और बाबा से कहा, ट्रांस में जाकर के वहाँ ब्रह्मा बाबा को देखा और जब नीचे आई तो ब्रह्मा बाबा से जाकर के पूछा कि बाबा आप जैसे ही कोई ऊपर सूक्ष्म बदन में थे वो कौन थे। तो जब ये बाबा साकार ने सुना तो बाबा ने, बाबा भी थोड़ा समय सोच में लग पड़ गए कि वो कौन हो सकते हैं। तो दादी को कहा, बच्ची अगर कल फिर से तुम जाओ वतन में और वहां तुमको वो दिखाई दे तो उनसे जरूर पूछना कि आपका परिचय क्या है। दूसरे दिन भी उसी टाइम पर योग में बैठी और ट्रांस में गई और बाबा से वो फिर वहां देखा तो हिम्मत करके, छोटी थी ना, हिम्मत करके बाबा के पास जाके खड़ी हो गई कि बाबा हमारा बाबा तो नीचे है, वो भी आप जैसी शक्ल का ही है, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, बच्ची जो आपका साकार बाबा है ना, मैं उसका ही संपूर्ण स्वरूप। और जब दादी ने ये सुना कि बाबा का ही संपूर्ण स्वरूप है तो फिर आकर के बाबा को जाके सुनाया कि बाबा आज मैंने मुझसे पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो आपका नीचे ब्रह्मा बाबा है ना, मैं उसका ही संपूर्ण स्वरूप हूँ। तो जब बाबा ने सुना तो बाबा एकदम गहराई में चले गए, ये तो अच्छा है, मुझे इतना पुरुषार्थ करना है, मुझे ऐसा संपूर्ण बनना है। और उसी समय से ब्रह्मा बाबा को धुन लग गई कि हाँ मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है। और ऐसे पुरुषार्थ करते रात को जाग जाग करके बाबा ने पुरुषार्थ किया और बीच बीच में संदेश पुत्रियों को बाबा भेज करके पूछता था कि अब देखो उनमें और मुझ में कितना फर्क है। फिर भी तो पुरुषार्थ किया, भी बाबा वो चमक नहीं है जो उसमें है, फिर बाबा पुरुषार्थ में लग जाते थे कि ना हमें ऐसा बोला, फिर जाके पूछते थे। जब बाबा अव्यक्त में उसने कुछ समय पहले भी संदेशी को जाके पूछा, संदेशी ने जाके देखा तो तब आकर के जब सुनाया कि बाबा अब आप में और उनमें अब कोई फर्क महसूस नहीं होता, एक जैसे एकदम लाइट स्वरूप। तो बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, 33 वर्ष तक साकार से अव्यक्त बनने के लिए दिन और रात एक कर दिया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप वतन में था तो क्या हम और आप सबका संपूर्ण स्वरूप वतन में है या नहीं है, है? है? नहीं है? है, हमारा आप सबका भी संपूर्ण स्वरूप वतन में है।
बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कई बार कहा भी है, बच्चे हरेक की ड्रेस टंगी हुई है, हरेक की ड्रेस फिटिंग, बस अब आपको फिटिंग करनी है उस ड्रेस को पहन करके, उसके स्वरूप समान बनना है, बस इतना पुरुषार्थ करना है। ड्रेस तो सबकी तैयार है, अब हम और आप सबकी ड्रेस तो फरिश्ता स्वरूप की तैयार है, लेकिन हम चेक करें कि हम उस ड्रेस को रोज पहन करके देखें कि हमारी फिटिंग उस ड्रेस से फिट है या नहीं है। अगर ढीली ढाली होगी, छोटी बड़ी होगी, तो अभी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब हम जाएंगे और तो फिर उस समय तो समय नहीं रहेगा उसको ठीक करने का, तो फिर लटकती रह जाएगी। इसलिए अभी बाबा ने हम बच्चों को फिर भी पुरुषार्थ का समय दिया, क्योंकि तो